हरिद्वार के ज्वालापुर में एक मतदाता द्वारा ईवीएम का विरोध करते हुए ईवीएम मशीन को जमीन पर पटकने का मामला सामने आया है। दरअसल ये ज्वालापुर हरिद्वार की घटना बताई जा रही है। विधानसभा के मतदान केंद्र ज्वालापुर इंटर कॉलेज में एक मतदाता ने ईवीएम मशीन का विरोध करते हुए पोलिंग बूथ पर रखी मशीन को ही नीचे पटक दिया और मतदाता जोर जोर से चिल्लाते हुए मशीन तोड़ने वाले मतदाता को हिरासत में ले लिया गया है। जिला अधिकारी धीरराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि ज्वालापुर क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग मतदाता बूथ नंबर 126 पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। नंबर आने के बाद जैसे ही वह अंदर पहुंचे तो उन्होंने डेस्क पर रखी ईवीएम मशीन को उठाया और नीचे जमीन पर पटक डाला। मशीन टूट गई, हालांकि वह बाद में चालू रही। यह देखते हुए बूथ पर मतदाताओं में अफरा तफरी मच गई। बाहर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत मतदाता को पकड़कर रेल चौकी ले गए, जहां पूछताछ की जा रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। एक व्यक्ति वोट गिनने के लिए आए, उन्होंने बैलेट मशीन को तोड़ दिया, बिना कहा है बिना सुने बैलेट मशीन बिल्कुल चूरा चूरा कर दिया उन्होंने। क्या विरोध है? मैं गवाह हूँ। क्या विरोध है? विरोध कुछ भी नहीं, क्या क्या हम तो विरोध कर रहे हैं इसका। नहीं, मशीन का विरोध था, मशीन का विरोध कर रहे हैं। अभी तो पुलिस अरेस्ट करके लेगी इसको। तो किसी अधिकारी को कहा है आप? जी, डीएम साहब को कहा है, वो आ रहे हैं। लगभग 13% ही करीब मतदान हुआ है और जिस हिसाब से रुझान दिख रहा है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। अब हो सकता है दिन के टाइम में थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा सा कमी हो, लेकिन शाम को और बढ़ेगा। तो शाम के टाइम में हम लोग फिर उस हिसाब से मतदान बढ़ेंगे। सब पूरा दिन है मतदाताओं को क्या करेंगे? देखिए, हम भी खुद वोट करके आए हैं और जनता से यही अपील कर रहे हैं कि जितने भी मतदाता हमारे जनपद पर रजिस्टर्ड हैं, अधिक से अधिक संख्या में आके अपने मतों का उपयोग करें। स्कूल के वर्षों में भी जब जब इलेक्शन हुआ है, चाहे 2019 का इलेक्शन हुआ है या 2022 का इलेक्शन हुआ है, हरिद्वार के मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और जो लोग अभी घरों में हैं, अभी वोट रहे हैं, उनसे भी अभी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आइए और मतदान। सर,